नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आम आदमी आखिरकार बिहार में जाए तो जाए कहाँ? अगर घर से भी निकलता है, अगर हेलमेट ना हो, उसके पास लाइसेंस ना हो, तो नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए उनका चालान कट जाता है। अब तो चालान ऑनलाइन भी कटने लगा है, लेकिन पुलिस वाले को आखिरकार कौन रोकेगा? बिहार में पुलिस वाले की चालान क्यों नहीं कटती है? पुलिस वाले को आखिरकार किसने इजाजत दे दिया कि वो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दे 20 सड़क पर और दिन दहाड़े? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसी वीडियो आई है, जिस वीडियो को आप भी देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि आखिरकार पुलिस की इतनी ज्यादा दबदबी क्यों देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा उनकी वर्दी की रौब क्यों देखने को मिलती है, और क्या जो बिहार सरकार सीसीटीवी लगाई है उसमें उन्हें छूट दी गई है क्या कि वर्दी को अगर देखे तो चालान ना काटे? क्योंकि अगर आपके नंबर प्लेट गाड़ी पर नहीं है तो चालान होना तय है, अगर आपने हेलमेट ना लगाया हो तो चालान होना तय है, अगर आपके पास लाइसेंस ना हो तो भी चालान होना तय है। लेकिन यहां तो एक पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और उसके पास ना गाड़ी पर नंबर प्लेट है और ना ही हेलमेट है। ऐसे में जब हम उनसे बात करने का कोशिश करते हैं तो वो हमें ही धमकी देते हैं, कहते हैं कि क्या कर लोगे हमारा, हम पुलिस है, हम आपको ये भी सुनाएंगे कि किस तरीके से वो हमें थप्पड़ मारने के लिए भी हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार बिहार सरकार पुलिस वालों को इतनी गुंडागर्दी करने के लिए छूट कैसे दे दी 20 सड़क पर। और इसी मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए वेद सिंह है, हम सीधा इन्हीं के पास चलते हैं। वेद सिंह जी, जब हम दोनों थे उस गाड़ी पर और हम दोनों जा रहे थे तो किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, वो भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, पहले क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार सरकार अपने तरफ से लाख कोशिशें कर लें ट्रैफिक नियमों को सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में सभी जगह पर कैमरे के माध्यम से ट्रैफिक नियमों का मतलब पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका चालान कट के ऑनलाइन आ जाता है, चालान उसके मोबाइल पे चला जाता है। बिल्कुल, अगर वो मान लीजिए अगर कहीं पे किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर वहाँ कैमरा बंद भी है तो आपको अगले चौराहे पे आपको वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं जो कि आपका मतलब रिसिप्ट काट के आपका चालान देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जो नियम बना है तो सिर्फ आम पब्लिक के लिए बना है, आम पब्लिक के लिए बना है। हाँ, तो दिख तो वही रहा है बिहार में, तो इस वक्त सड़कों पर वही हो रहा है कि आम पब्लिक के लिए बना हुआ है ये तमाम नियम, क्योंकि पुलिस वाले तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्योंकि आप जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं जिस तरह से दो महिलाएं वो भी बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पे बैठ के ऊपर से लहरिया मारते हुए वो जा रही थी, अगर कोई लड़का या फिर कोई आम पब्लिक अगर लहरिया मारे तो लहरिया के ऊपर भी चलान है, लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं? क्या मतलब इनको बिहार सरकार इतना छूट दे चुकी है कि अगर आप वर्दी पहन के अगर कुछ भी कर दें तो आप पे किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? अब वर्दी तो ठीक है, उनका नेम प्लेट भी नहीं है, वर्दी पे भी नेम प्लेट नहीं है, मतलब सब तरीके से बिहार सरकार ने पुलिस को छूट दे के रखा है कि आप गुंडागर्दी कीजिए, आप किस तरीके से लोगों को धोखा दे सकते हैं वो दीजिए, लेकिन आम पब्लिक पर नकेल कस के रखिए, उन्हें एक एक रुपए के लिए आप चालान काटते रहिए, जितना काट सकते हैं काटते रहिए, अपनी जेब भरते रहिए। मुझे यहाँ नहीं समझ में आता है कि मतलब जो नियम बना है वही जो नियम का मतलब दूसरे को आम जनता को नियम के बारे में सिखाएगा वही खुद नियम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तो चलिए कम से कम आप अगर किसी अगर सरकारी जॉब है आपका, चलिए थोड़ी सी उस पर आते हैं, सरकारी जॉब है आपका, ऊपर से आपके पास वर्दी है, आप एक रेपुटेशन के साथ आप खुद को मतलब दिखा रहे हैं समाज में। बिल्कुल, आप उस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं। पहली बात की अगर आपको अगर रेपुटेशन मतलब मेंटेन करना है तो आपका एक बात करने का सलीका होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बदतमीजी से वो बात कर रही हैं। बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि कोई एक अगर उसमें हेलमेट नहीं पहने रहता तो हम भी समझते कि चलो ठीक है, दो लोग हैं, एक के पास हेलमेट नहीं है, हो सकता है कि इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो, लेकिन दोनों के दोनों हेलमेट नहीं पहने हुए हैं और किस तरह से बदतमीजी कर रही हैं, यहाँ बदतमीजी का तो हद पार कर दी, वो तो हाथ दिखा रही है कि मार देंगे। वो हमें कहते हैं कि साइड में चलो जरा दिखाते हैं आपको, साइड में हमें ले जाने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि साइड में रोको मोटरसाइकिल, मतलब यानी कि हमारा ही चालान फिर से काट देंगे। नहीं तो मतलब यहाँ तो ऐसा हो गया ना कि आप वर्दी पहने हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम वर्दी नहीं पहने तो हम भाई आपके सामने हाथ जोड़ के रहेंगे। नीतीश बाबू की पुलिस है तो भाई उतना छूट उन्हें दिया तो दिया कौन,
कहीं ना कहीं उनको बनाया गया है कि अगर कोई दूसरा गलती करता है तो उसको समझाएं समझाएं, ठीक है। अगर हेलमेट नहीं पहन रहा है तो जिससे जान की क्षति हो सकती है, मैं इस पे भी आऊँगा, क्योंकि देखिए हेलमेट नहीं पहनने से क्या होता है कि कोई नहीं जानता कब किसका कहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए या फिर दुर्घटना हो जाए। वही चीज़ आप दूसरे को सिखाते हैं और जब अपने पे आता है तो आप भूल जाते हैं, आपका बाल खराब हो जाएगा, आप हेलमेट लगाएंगे तो आपका क्या बाल ऐसे हो जाएगा, मतलब करना क्या है, हद है यार। मतलब आम पब्लिक नहीं मतलब पहने तो उसको चालान काट दो, बिल्कुल आप ना पहनो तो चलो ना, मेरा तो मैनेज है। मतलब नहीं तो आखिरकार इनका चालान काटेगा कौन? क्यों बंद हो जाते हैं सरकार के द्वारा जो सीसीटीवी लगाए गए हैं सड़कों पर, वो क्यों बंद हो जाते हैं जब पुलिस वाले नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं? उनके मोबाइल पर क्यों नहीं मैसेज जाता है कि आपका चालान कट गया 1,000 रुपए का क्योंकि आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आपके गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, आपका चालान कट गया 2,500 का? ये सब क्यों नहीं होता है पुलिस वालों के लिए? अगर होता तो पुलिस वाले इस तरीके से नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाते सड़क पर। इसका मतलब नहीं हो रहा है, चाहे 112 ले लीजिए, चाहे जो पुलिस का पेट्रोलिंग गाड़ी चलता है वो ले लीजिए, उसमें उन लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहते हैं तो उस पे भी चालान नहीं होता है। मतलब पुलिस वाले करे तो चमत्कार हो जा रहा है और आम लोग करे तो चालान हो जा रहा है, ये तो हद हो गया बिहार का। यहाँ पे तो ये चीज देखने के लिए मिलेगा ना कि जो आदमी को रखा गया है दूसरे को सिखाने के लिए, वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून के उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर वो जैसा आदमी देखेगा वैसे ही सीखेगा, सिंपल सा चीज है। जब आपको बनाया गया सिखाने के लिए, आप खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आपको देख के तो दूसरा भी मतलब यही बात ना करेगा फिर। और ये दोनों मोहतरमा, हमें नाम तो नहीं पता क्योंकि दोनों मोहतरमा जो है वो अपना नेम बैच लगा के नहीं रखी थी, इस वजह से नाम नहीं पता चला, लेकिन किस तरीके से वो हमें मारने की धमकी दे रही है, हम आपको वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। पहले वीडियो देखिए कि किस तरीके से ये हमें डरा रहे थे, हमें धमका रहे थे और कह रहे थे कि साइड में चलो तो पहले हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप पहले वीडियो देखिए। जी हाँ, तो आपने वीडियो देखा किस तरीके से दबंगई, भाई दबंगई, हम लोग तो भाई आम आदमी हैं, हम लोग कर क्या सकते हैं, लेकिन ये वर्दी में है तो दबंगई तो दिखाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बिहार पुलिस है, वही बिहार पुलिस जो अपराधियों को पकड़ने जाती है और पीट के चली आती है, वही बिहार पुलिस जो माफियाओं को पकड़ने जाती है और दौड़ा दौड़ा कर मार खा जाती है, लेकिन आम पब्लिक पर किस तरीके से इनका गुंडागर्दी देखने को मिलता है इस वीडियो में भी दिख रहा है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं और एक जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि क्या है कि जब से कैमरा लगा था बिहार में तो थोड़ा सा उठपटांग हरकत हमें देखने को मिलता था, आम पब्लिक भी थोड़ा सा क्या है कि नंबर प्लेट को कवर करने लगी थी, कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा मामला हमारे सामने आता था, कोई पत्ते से ढाक देता था, कोई नंबर ये कर देता था, यहाँ तो पुलिस की गाड़ी में नंबर प्लेट ही नहीं है, बाकायदा उस स्कूटी पर पुलिस लिखा हुआ भी है। अगर हमें हमारे बातों पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से उस स्कूटी पर पुलिस भी लिखा हुआ है, दो पुलिस कर्मी लेडीज जो है वो बैठे हुए हैं, वर्दी में बैठे हुए हैं, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यही हो रहा है ना। ऐसे में तो यही समझेंगे ना कि उन्हें किसी चीज का डर है नहीं। पहली बात की अगर इस तरह का अगर वो हरकत करे तो इन पर तो एक कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको किसी को सिखाना है तो पहले खुद भी तो नियम पालन कीजिएगा, तब तो दूसरा को आप बताइएगा। और दूसरी बात कि आप वर्दी पहन के आप गुंडागर्दी तरह से मतलब आप बात कर रही हैं, बेइज्जती कर रही हैं, किसी का हाथ दिखा रही है, कहाँ का नियम है भाई? आप वर्दी पहनिए तो आप किसी को भी आप कुछ भी बोल सकती हैं और आम पब्लिक पर आप अपना धौंस जमा सकती हैं,
कौन सिखाया आपको ऐसा, कौन सिखाया है? जी हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस के चर्चे विख्यात है। अगर हम बिहार पुलिस पर जाएं तो इनकी कहानी ऐसी ऐसी है कि हम सुनाते सुनाते दो दिन क्या एक हफ्ता बीत जाएगा लेकिन इनकी कहानी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन इनके पन्नों में दर पर दर और नए पन्ने जुड़ते हुए चले जाते हैं और किस तरीके से जाते हैं तो ऐसे पुलिस कर्मी जो है इन्हीं के वजह से इनके जो चरित्र है इनके जो दबंगई है वो नए नए पन्नों के साथ जुड़ते हैं और हमें भी शर्म आती है कि जो बिहार पुलिस पर हमें गर्व करना चाहिए वो बिहार पुलिस पर हम इस तरीके से डिबेट करते हैं और इस तरीके से उन पर हम खबरें बनाते हैं लेकिन नीतीश कुमार को और न ही बिहार पुलिस को कोई शर्म आती है। अगर शर्म आती तो इस तरीके के घटना बिहार में देखने को दोबारा नहीं मिलती। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।